गिरफ्तारियां तो हो रही हैं। पुलिस ने लाहौर में पीटीआई के रहनुमा मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार कर लिया। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे उमर याकूब हमारे साथ हैं। उमर याकूब, ये इससे पहले कोशिश की गई थी और अब बिलाखिर इनको पकड़ के लेके गई है पुलिस? जी बिल्कुल, इससे कबल भी दो दफा पुलिस ने मियां महमूद रशीद, जो के सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके घर पर रेड की थी, लेकिन मियां महमूद रशीद उनके हाथ नहीं आए थे। लेकिन अब से कुछ देर कबल जोहर टाउन पुलिस ने उनकी रिहाइश का, जो कि जोहर टाउन में ही है, वहां पर रेड की है और मियां महमूद रशीद को पकड़कर अपने साथ थाने ले गए हैं। उन एग्जैक्टली वही पॉइंट उन्होंने रेज किया जी, 16 MPO के तहत इनको पकड़ा गया है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत इनको लेके गए हैं। और ये हुक्मनामा DC लाहौर की तरफ से जारी होता है ताकि नक्श अमन का खदशा जहां पर हो, वहां पर ऐसे शख्सियात जिनकी वजह से नक्श अमन हो सकता है तो उनको हिरासत में लिया जा सकता है। और इसका दुरानिया 30 दिन का मुकर्रर किया गया है, मतलब पुलिस उनको अपने पास 30 दिन तक रख सकती है। ये ऑर्डर जारी हुआ है DC की तरफ से जी। बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इत्तेहादी